क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा और मधिया के साथ अपनी पुरानी पिक्चर्स। चाहते हैं कि मेरा जो क्रश था वो खत्म हो जाए। तारिक जमील से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था। पैकोमीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुझे ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। ओ नो, ऐसा रिश्ते से पहले अगर ये पिक्चर दिखा देते ना तो मैं बताती कि मेक ओन वेज या मेक नॉट वेज। नो 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 नो, ऐसे में और आपकी पिक्चर्स नहीं देख सकती। इसके मेरे बिलबोर्ड्स लगे थे कत्थई कलर की पैंट में। यू कैन सी द मकई वाला विद द चश्मा ऑन हिज फेस। आपको मेरी कसम है और पिक्चर्स नहीं। 2 लाख भी व्यूज आ गए तो मैं अपनी वो वाली सारी वीडियोस डाल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप पहले आ जाएं। एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। मधिया तो बहुत खुश है और बहुत मजे में। क्यूट लग रही हो, क्यूट लग रही हो वैसे। बाय द वे मेरी खरड़िंग कैसी लग रही है? खरड़िंग थोड़े से ज्यादा छोटे बाल हो गए। खरड़िंग क्या होता है? खरड़िंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये अच्छा, बियर्ड से बियर्ड आपने मुझे गिफ्ट की है तो ऐसा हो सकता है मैं ना उतार दूं। पहनने का क्या तरीका है? और क्या तरीका है? अच्छा, वैसे आपने नोट किया कि मैंने जब थोड़ी सी हल्की करवाई थी तो मेरी कैसे डबल चिन आ रही थी, तो अभी मैंने बियर्ड की शेप बनवाई है तो मैं भी अभी अपना फेस कॉन्टोर करके आऊंगी तो मैं भी स्मार्ट। वो तो मैंने भी करवाना है, बिल्कुल मैंने भी करवाना है कॉन्टोर। उस कॉन्टोर ब्रश से आप सबको बता दें कि हम अपना फेस कॉन्टोर करवाएंगे। तो ये मैंने भी बियर्ड से कॉन्टोर ही किया ना आज। मैं चला जाता हूँ। अच्छा? चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा कलर कितना वो हो रहा है ना, येलो, और ये मतलब इस पे येलो यू हो रहा है। हाँ। जैसे यू। सो आप लोग देखे होंगे कि ये जगह मैंने, हम लोगों ने थोड़ी सी छोड़ी हुई है। ये जगह क्यों छोड़ी हुई है? क्योंकि मधिया फोन में बिजी है। जी नहीं, छोड़ दे फोन यार 2 मिनट के लिए। हर वक्त फोन फोन ये डाल लो एक चीज, वो मेरा ना खराब हो जाएगा। यूट्यूब पे डाल रही है? नहीं, यूट्यूब का डाल रही है। यूट्यूब का डाल रही हूँ, मतलब मधिया यूट्यूब पे लगी हुई है अपना। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है मधिया के कपड़ों पे। लोगों ने काफी ज्यादा कपड़े भेजे हैं। यस, मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस सुना है। हाँ, कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि जो पेज मैनेज करती हैं उन्होंने भी बताया और दूसरा हम लोगों ने खुद भी देखे। तो बहुत से हमें ये सुनने को आया था कि बहुत से लोग हैं जो कहते थे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। बाकी अकाउंट्स हमने मेन देखने होते हैं, अपने जो मेन अकाउंट है हम दोनों, अपना यूट्यूब बाकी देखना होता है। मैं ये सोचती हूँ कि अपने मेन अकाउंट पे भी मैसेज नहीं कर पाती, तो मेरा ये इश्यू होता है कि मेन अकाउंट भी मेरे पे मैसेज नहीं कर पाती। तो और 2 दिन से मधिया इतना खुश है ना, क्योंकि 2 दिन से मधिया कभी कहाँ के डोनट्स खा रही है, कभी कहाँ के डोनट्स खा रही है। अभी एक और वो मेरा डोनट है, वो मेरा है, वो मेरा डोनट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम ये मजे मजे की बातें करेंगे तो उसके साथ मैं डोनट एंजॉय कर लिया। टू गुड टू गुड। सो आज का टू गुड टू गुड। सो आज का प्रोलॉग बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, आप लोगों के लिए और मधिया के लिए। बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। क्यों? वाकई बहुत। एक ऐसे करें, 3-2 थंबनेल निकला है, इसको एडिट करूंगा। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा और मधिया के साथ अपनी पुरानी पिक्चर्स। मैं देखना चाहता हूं कि मधिया का क्या रिएक्शन आएगा उसके ऊपर। मैंने ऐसन को पहले बोल दिया है कि मुझे नहीं देखनी। मैं एक पुरानी पिक्चर देख चुकी हूँ। चले, टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं स्टार्ट। आप लोग चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरा जो क्रश था वो खत्म हो जाए? ओहो, मतलब आपको क्रश मतलब खूबसूरती के ऊपर होता है? पर्सनैलिटी पे होता है। तो खूबसूरती और पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्या है? खूबसूरत बहुत सारे लोग होते हैं बट उनको अपने आप कैरी करना नहीं आता, और पर्सनैलिटी जैसे आपकी है। अभी छोटे बाल हो गए तो अभी पर्सनैलिटी थोड़ी सी चेंज होगी। गुड लग रहे हैं। अभी मैं यहाँ एक बाली पहनूंगा, यहाँ एक वो नथ बोलते हैं, अच्छे लगेंगे मुझे तो। मैं तो चाहती हूँ अब ये वाला भी अपना वो कैरी करके दिखाएं कैसे लगते हैं। मैं तो हर किस्म का कर लूंगा क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर सिंह, सो मैं तो कुछ भी पहन लूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले पिक्चर की तरफ, देखते हैं मधिया का क्या रिएक्शन आएगा। आईज क्लोज, 1 2 3 गो। मैं नहीं खोल रही, देखें तो सही। ओह, ये क्यूट है, ये तो मुझे लियाना लगती है। सो पिक्चर नंबर 2,
ये मेरी यूनिवर्सिटी की है और ना आप सारी बातें छोड़े, ये कैप्टन अमेरिका का, आप ये देखें लॉकेट। एक सेकंड मेरी बात सुने, सर्दियों का मौसम था जी और ये मेरा बैग होता था पीछे। आपने ना की कितने साल की होंगी आप, 13 साल की? ओ नहीं नहीं क्या हो गया, यूनिवर्सिटी की है, मतलब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी मेरी 2014 की बात होगी। अच्छा मुश्किल ही है, लड़कियां आपसे बात करना पसंद करती है उस वक्त? नहीं ओके नेक्स्ट वन। ये पिक्चर अगर पापा ने देख ली तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, वो इस वजह से क्योंकि ये जो ग्लासेस हैं पापा के ओरिजिनल रेबन के थे जो आराम सऊदीया से लाए हुए थे, और मैंने यही पिक्चर के बाद ना वॉशरूम के लिए गया था, बाहर रख के गया और गायब हो गया, भूल गया था वॉशरूम में, उसके बाद मिले नहीं। Okay. तो आप न्यू ग्लासेस ले आए थे पापा के लिए, अपनी डांट पड़ेगी। हाँ मैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी थी, मैं और मदिया हम दुबई से रेपेन के ओरिजिनल स्टोर से जाके लेके आए थे। नेक्स्ट वन, मैंने मूछें उतारी हैं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने खाली मूछें रखी हुई है ना उतारी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, ये मुझे ना तारिक जमील से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था। तो और डार्क सर्कल्स लाइक किससे कॉल पे इतनी रात में बातें होती थी हैं? मैं नहीं थी तो कॉल पे किससे इतनी रात में बातें होती थी जो आपके डार्क सर्कल्स पड़ गए? कितने साल के थे आप? 18? ओह माय गॉड, ये स्टाइल बनाया मैं, असल में सच बात बताऊं वो रोनाल्डो ने एक बनाया था ऐसा कोई स्टाइल ना, तो मैंने भी वैसे ही बना दिया। ये आप ऐसे भी वो वहां साथ चलेगी ना? कैसे चलेगी, आपको कैसे पता कि मैं किस पिक्चर पे लिया? चलाना मेरा काम है। क्यों क्या किया है? मुझे आता करना आगे कर दो। ये क्या, ये किसका रिबन पहना हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेरी यूएमटी यूनिवर्सिटी। तो एक बात पूछनी है, ब्लू कलर के ग्लासेस क्यों हैं? वो मुझे पसंद है, मदिया की एक आदत है, मैं कुछ भी देख रहा हूँ ना मदिया ने यूं करके हाथ मारना वाइप कर देना सब कुछ। अच्छा मैं जितना एसन की पिक्चर्स पे रिएक्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरी पिक्चर्स देख लेना। जी मैंने इनको कहा अपनी पिक्चर सिखाया, कहती है मैंने नहीं दिखाना, अलियाना रो रही है। ये मेरी मैट्रिक की है, सिद्रा की मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी शादी की पिक्चर है, मैंने इमो स्टाइल बनाया हुआ था। एक दफा महादेव बनाया था, इमो स्काइन और वो मुझे कोचिंग लेने आया था, मैं लिटरली इतना शर्मिंदा हो रही थी कि मुझे लेने क्यों आया है कोचिंग, बाल ऐसे बनाए हुए। और उस टाइम पे अगर मैं आपका वो बैकोमीन वाला माज भाई ने दिखा दिया, बैकोमीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुझे ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाते हैं बैको क्या बोले आपने? टेट फॉर टेट हो गया, क्या बोले? अच्छा ये मैं बहुत कमजोर था। लड़कियां 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 प्लीज नोटिस, क्या बोले आपने? बैकोमीन, क्या बोलते हैं? मैं बताऊं ये क्या कहना चाह रहे हैं? बैक कॉम्बिंग जो होती है ना, जो हम यहाँ से बाल उठाते हैं उसको बोले बैक कॉम्बिंग। आपको कभी समझ आपको कभी नहीं समझ बैक कॉम्बिंग, आपको ये मेरा अच्छा लगे कि नहीं? अच्छा लगे, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे थे, नथिंग टू से, सैड लाइफ। आप मेरे बाल देखें, आप ये देखें कि पूरा गार्डन है और दरमियान में ऊपर। अच्छा बताए ना, मैं आपकी दोस्त हूँ, मुझे बताए ना कौन थी, किसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसे बात? इस टाइम किसी पे नहीं, इस टाइम का क्या मतलब है? कौन कौन से टाइम, क्या क्या होती थी? टाइम पे डिपेंड करता है ना। ओ टाइम पे डिपेंड करता है, वैसे मुझे इससे क्या बताए ना, क्या क्या पता नहीं, वैसे मैं ऐसे पिक्चर्स लेता था तब, इस टाइम में 2013-14 की बात है, या 11 से 14 तक की बात है, कि इस तरह की चीजें इमो स्टाइल चलता था। ओ नो ऐसा, मैं नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। मैं ना उठ के जा रही हूँ, पहले ये पढ़ो, पहले पढ़ो। आई एम माई सेल्फ एंड आई मेक माई ओन वेज। रिश्ते से पहले अगर ये पिक्चर दिखा देते ना तो मैं बताती कि मेक ओन वेज या मेक नॉट वेज। अच्छा मतलब इनकार कर देती, अब मैं ऐसे ही बाल रखूंगा, आप लोग बताएं मुझे ऐसे बाल अच्छे लगते हैं लगेंगे ना, अब मत बताइएगा। नेक्स्ट, नो 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 नो, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
ये वो वाला मफलर है, वो उसकी आमिर खान की मूवी नहीं आई थी, सुभान अल्लाह होना है तुझ पे फना, उसमें उसने ब्लू शर्ट के ऊपर ऐसा ग्रीन मफलर पहना था। तो आप यू थिंक कि आप इसमें आमिर खान लग रहे हो? थोड़ा बहुत। ये मैं अभी मकई बेच के आया था, ओ पहले आप ऊपर पढ़ो लिखा क्या हुआ। मैं असल में और आपकी पिक्चर्स नहीं देख सकती। लिखा क्या हुआ? Yep, I am you. You think you are cute? ये आपने ये दुबई में जो मफलर सर पे बांधते हैं वो आपने गर्दन में पहना हुआ है और हाथ में मकई वाले नहीं बेचते, मकई है वो वाले। एक सेकंड, आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ऐसा इसमें कर रहे हैं, ये सो है ना यू। नेक्स्ट देखा नहीं जा रहा है सर, रुक जाए एक मिनट, पांच मिनट का ब्रेक चाहिए। ये नेक्स्ट लोगों ने तो देख लिए। ऐसा ना, लिटरली देख कैसे रही हूँ। लिखा क्या हुआ है? बीइंग सिंगल इज माय एटीट्यूड। और जुबान वाला इमोजी बनाया। कोई कमिटेड होना भी नहीं चाह रहा उसका। आपको क्या पता उस टीम कितनी थी? यही निकल वाला था। कौन थी कौन थी कौन थी कौन थी? तो सही है, कौन थी कौन थी कौन थी? क्या था कौन थी? कौन थी? आपने पूरा एंगल हिला दिया इतनी जोर से, कौन थी बोला? अच्छा वैसे कौन थी? मुझे बहुत थी यार, बहुत थी उस टाइम पे। कौन थी मुझे क्या, मैं तो वैसे दोस्तों की तरह पूछ रही हूँ। सायरा, आयशा, बुशरा, अगर इसमें से एक भी नाम निकला ना। अच्छा अगर इस टाइम पे जो मैं किप्स अकेडमी था उसमें कुछ लड़कियां थी जो कोई भी किसी से मेरी बातचीत नहीं थी, लेकिन अगर कोई देख रही है तो वो कमेंट करें, अगर तो देख रही है, अगर वैसे मुझे 100% मैं श्योर वो नहीं देख रही होंगी। अल्लाह अच्छा इस पिक्चर में ना दो चीजें हैं, पहले आप कैप्शन पढ़े। यू नेवर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग, इसमें एक चीज है जो मुझे आज तक रिग्रेट है। यू नेवर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग, यू नेवर कैन। अच्छा सुने तो सही। मैं एक बात बताऊं, मेरा ना हमजा का एक दोस्त होता था जो इमो बाल बनाता था और ना इस तरह की कैप्शंस लिखता था, ये मैं ए टू जी उसको फॉलो करता था। मुझे पता है क्योंकि मैं भी वही कॉपी करती। अच्छा इसमें एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत पछताता हूँ कि मैंने आज तक क्यों नहीं कैरी की, बताओ क्या? क्या कैरी नहीं किया? सब कुछ तो कैरी किया हुआ है। अच्छा बताओ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी आज भी वही चीज हो जाए। मतलब आज ही हम गए थे इस चीज के लिए डबल चिन जी, जॉ लाइन देखें। जॉ लाइन आपकी बहुत शार्प है और हर किसी की 18, 19 की वाली एज में जॉ लाइन शार्प होती है, मेरी भी ऐसी नहीं थी। नेक्स्ट। अच्छा ये वाली मैं दिखाता हूँ, दो पिक्चर थे लेकिन मैं ये वाली दिखाता हूँ, ये आप अल्लाह ना कहें, ये मेरी लाइफ की पहली वो वाहिद फोटोशूट है जो डाइनर्स का फोटोशूट था। सही बात कहूं, और ये मेरा इसमें इसके बिलबोर्ड्स लगे, इसके मेरे बिलबोर्ड्स लगे थे, लेकिन मुझे वो जो पिछली वाली पिक्चर है ना। अच्छा इसकी मजे की बात बताना चाहता हूँ, मैंने करवाया फोटोशूट, ओहो डाइनर्स का मैंने सुना भाई बिलबोर्ड्स लगे, अब मैं मॉडल टाउन में लगे हैं जो, हाँ मॉडल टाउन में, तो मैं गया देखने, पता लगा वहां डाइनर्स वालों ने ना जितने मॉडल्स की पिक्चर्स लगाई मैंने सबके मुंह काटे हुए थे। उन्होंने बताया नहीं था कि मुंह नहीं आएंगे? नहीं ये नहीं मुझे पता था, और मैं इतना पतला था ये मैंने कोई 4-5 शर्टें पहन के ऊपर में शर्ट पहनी हुई है। यार आप ये जॉ लाइन देखो, अपने एहसन बाल देखें, ये तो आप लग ही नहीं रहे एहसन। काश मेरे बाल ऐसे वापस। आपने कत्थई कलर की पैंट पहनी। कत्थई कथक तो वो कथक होता है, कत्थई क्या होता है? कत्थई के साथ कत्थई कौन सा कलर है? आपने कत्थई कलर की पैंट पहन के डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, रॉयल ब्लू शर्ट। वो तो ठीक है लेकिन ये कथाई क्या है? आप मेरी जॉ लाइन देखिए, कथाई का मतलब यही होता है ना, कथाई पर्पल। एक बात बताएं, उस टाइम पे ये पता था कि ये ब्लैक वाला फिल्टर होता है ऐसे लगा? नहीं, ये हमजा का दोस्त था अगेन, वो फोटोग्राफर था जो इस टाइम पे बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन चुका है। तो ये जमीन पे क्यों बैठे हुए थे? बस उसने ये असल में तब फेसबुक की कवर फोटो लगती थी ना, ऐसे स्ट्रेट कवर लगता था, तो आपने कहा जमीन पे बैठ के पिक्चर खिंचवा लो। जो जमीन पे यूं करके पिक्चर दिया आपने, यूं हाँ, ये इसका मकसद क्या है? ये कमर सीधी कर रहा था, कमर सीधी कर रहे थे। यार ये तो क्यूट पिक्चर है ना, देखो दाढ़ी मैंने इतनी सीखी हुई है, अभी मेरी दाढ़ी इतनी है ना तो मैंने इतनी सीखी हुई है। मजाक नहीं है वैसे, वो इस एज के जो बेबी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बेबी कह रही हूं। अच्छा ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी इसमें पिक्चर है कि नहीं मैं पहले देख लूं फिर आपको बताता हूँ।
ये मेरी माय गॉड यू कैन सी द मकई वाला विद द चश्मा ऑन हिज फेस आई मीन माय हस्बैंड सो व्हाट मकई वाला आज ये सोचें कि मैं यूनिवर्सिटी से जाता हूं ही इज लुकिंग हैंडसम नहीं बोलूं ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल अभी मेरी वो ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल अभी मैंने शायद वो पिक्चर नहीं निकाली मैं यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के एंड वाले दिनों में मतलब 4 साल का होता है मतलब 2017 में शायद के 18 में मैं मिनियंस वाला बैग लेके जाता था ये वो पिक्चर है मैं अभी आपको एक बात बताना चाह रहा था सुने मेरी पिक्चर सही थी बाल सही थे मेरे तो ना फैसल भाई का एक ड्रामा एक बात बताऊं इसमें आप अच्छे लग रहे हैं फैसल भाई का ड्रामा आया था बशरे मोमिन जिसमें फैसल भाई ने यहाँ से ऐसे कटवाया था ये करवाया था उनका तो आपने कहा मैं फैसल कुरैशी मैंने वो नकल की और उस टाइम पे मैंने ये गलत की एक गलत हरकत की कि मैंने ब्लेड लेके ना जो वो ब्लेड लड़के ऐसे शेव करते हैं वो मैंने ना यहाँ करवा लिया और यहाँ उसके बाद वो दिन गया ये दिन आया मेरी हेयर लाइन नहीं आई आज तक खत्म होगी क्योंकि आप ये देखें मेरी प्रॉपर यहाँ बाल थे कोई बात नहीं नहीं हेयर लाइन तो क्या हुआ ये स्टाइल है ये मुझे लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एमबीए की पिक्चर है एग्जैक्टली तो क्या हुआ मैं कह रहा हूँ परेशान हो रहा हूँ अच्छा मूछों वाली शर्ट क्यों पहनी हुई है मुझे नहीं पता इसमें तो आप ऐसा लग ही नहीं रहे कहीं से ऐसा नहीं लग रहे ये असल में यहाँ ना मैं दूध वाली दुकान खोली थी गुज्जर था मैं अच्छा ऐसा बस आपको मेरी कसम है और पिक्चर अभी तो और भी है नहीं आप बहुत अच्छे इंसान है अभी तो मैंने वीडियोस नहीं निकाली बचपने में मैं भी और आप भी कोई बात नहीं सो के हम ये इस यहाँ पे इस व्लॉग को ना एंड कर देते हैं मेरा ख्याल से तो आप ये व्लॉग डालिएगा ही नहीं ना क्यों क्योंकि ऐसे ले अच्छा मैं तो सोच रहा था अपनी वीडियोस भी डालूं अच्छा मदिया ने अपनी मुझे पिक्चर्स नहीं अब इस इनकी अपनी पिक्चर्स नहीं निकालने दी मैंने बहुत कोशिश किया मेरे पास पिक्चर था महाद भाई ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी खबरदार मेरी पिक्चर्स किसी ने भी देखी मैंने भी नहीं दिखानी मुझे मत देखें तो क्या हो गया अगर आपने बैकोमीन बनाया हुआ और आप बता दो रिक्शे में बैठ के बात भी यूं करके सच बात बताऊं मैं आज के जमाने में भी अगर वो देखूंगा एक नॉर्मल लड़की जो होती है ना मुझे वो लगी थी मुझे नहीं बुरी लगी मदिया की पिक्चर नहीं मैं अपनी पिक्चर्स इसलिए नहीं दिखा रही कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ मैं अपनी पिक्चर्स किसी चीज के लिए बचा के रखी हुई वो मैंने दिखानी है एक टाइम पे अच्छा अपने व्लॉग में आएगा एक टाइम आएगा मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाऊंगी इसलिए नहीं कि मैं बुरी लग रही हूँ मैं जो हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ मैं जो हूँ जैसी हूँ अच्छा एनी कमेंट्स आप मेरे कुछ कहना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आई वुड लाइक टू से कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छी थी इतनी अच्छी थी कि मेरा क्रश बन गए लेकिन अगर आप पहले मुझे अपनी पिक्चर दिखा देते या मैं फेसबुक पे भी आपको पहले स्टॉक कर लेती तो मेबी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना करती अच्छा मैंने फेसबुक से पिक्चर्स नहीं हटाई मैंने फेसबुक आपका स्टॉक नहीं मैं एक बात एक चीज है कि भाई मैं पहले ऐसे था अब ऐसे तो क्या हाँ, हो गया तो सब ऐसे होते हैं वैसे है ठीक है मैं भी ये कहती हूँ कि मैं ऐसी थी तो लेकिन कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें तो मुझे बताएं अगर नहीं वीडियोस तो ऐसा की इतनी फनी होंगी कि मैं बता एक मैंने वीडियो देखी है अगर इस सलमान के साथ अगर इस व्लॉग में ज्यादा नहीं 2 लाख भी व्यूज आ गए ना 2 लाख भी व्यूज आ गए तो मैं अपनी वो वाली सारी वीडियोस डाल दूंगा सारी मंडल वो ऐसी वीडियोस हैं कि आप समझ ही गए होंगे सलमान के साथ देखी थी मैंने एक वीडियो इनके कजन के साथ मैंने कहा ऐसा क्यों तब मैं डब स्मैश बनाता था ये मैं वो डाल दूंगा चाहे मुझे कॉपीराइट आए चाहे जैसे मर्जी है मैं वो वीडियोस डालूंगा खैर आप उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा नहीं लगा होगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा नहीं बहुत अच्छा व्लॉग है बहुत अच्छे इंसान अच्छा, है सिर्फ एक बात का जवाब दे दें डोनट ठंडा हो रहा है नहीं इतनी क्यूट क्यों है इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड उम्मीद है आपको आप एंड करें जैसे मैं करता हूँ इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड मेरे चैनल को सॉरी इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड मेरे और डॉक्टर मदिया के चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज ऐसे रीटेक्स लेती थी ना मैं न्यूज चैनल है अलियाना अभी कह रही है मेरे और डॉक्टर मदिया के चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अलाने के बाद